गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट। योर चैप्टर नंबर 6 इज द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर में हमने आगे देखा था एक पार्ट, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में है तो फॉरेस्ट के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक दिया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल, उसके बारे में बताया। दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फिगर 6.3। यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं फिगर 6.3 ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी यहाँ पर हम फिगर में देख रहे हैं कि पूरा एवरग्रीन होता है। तो वो क्या होता है, तो दिस थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजियन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। दिस रीजन आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। एज देर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टूगेदर। दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। द थिक कैनोपाइज ऑफ द क्लोजली स्पेस ट्रीज डू नॉट अलाउ द सन लाइट टू पेनेट्रेट इन साइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एबोनी, महोगनी आर कॉमन हियर। तो यहाँ पर बताया कि जो फॉरेस्ट है ये, वो उसे क्या कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी ये यहाँ पर हमें पूरा ग्रीन दिख रहा है उसे क्या कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। दिस थिक फॉरेस्ट, यानी जो थिक फॉरेस्ट है अकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर, यानी वो इक्वेटर के नियर है एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, यानी ट्रॉपिक्स के क्लोज है। दिस रीजन आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल, यानी वो क्या है, वो रीजन क्या है हॉट है एंड रिसीव हैवी, यानी हैवी से हैवी रेनफॉल जो होती है थ्रू आउट इन ईयर, यानी थ्रू आउट जो भी इस ईयर वो ईयर में होती है रेनफॉल इसकी वजह से। एस देर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, यानी ये क्या है कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन के नहीं है। द ट्री डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, यानी उसके कोई शेड भी नहीं होते हैं लीव्स के ऑल टुगेदर। दिस इज द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, यानी उसका रीज़न क्या है दे आर कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं एवरग्रीन कहते हैं। द थिक कैनोपाइज द ऑफ द क्लोजली स्पेस टूगेदर डू नॉट अलो द सनलाइट एंड पेंट्रेट इन साइड, यानी जो थिक कैनोपाइज है ऑफ द क्लोजली स्पेस ट्री डू नॉट अलो द सनलाइट, यानी उसके पर सनलाइट भी कोई अलो नहीं करती टू पेनेट्रेट इन साइड की तरह, और फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। हार्डवुड ट्रीज लाइक हार्डवुड जो भी होते हैं ट्रीज कौन कौन से, तो रोज के वुड होते हैं, इबोनी होता है, महोगनी होते हैं, आर कॉमन हियर, यानी ऐसे कॉमन वहाँ पर ट्री होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, यानी ये जो डेसीडियस फॉरेस्ट होते हैं उसकी बात की। ट्रॉपिकल डेसीडियस आर मॉनसून फॉरेस्ट। यहाँ पर पिक्चर में भी हमें बताया है अ ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, यानी ऐसा होता है। तो फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका, फिगर 6.4। दिस रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। द हार्डवर्ड वुड ट्रीज found in this forest are sal, teak, neem and sisam. Hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport and constructional materials. Tiger, lion, elephant or lagers and monkeys, langur and monkey jo hote are the common animals of this region. यहाँ पर बताया फिगर 6.5, 6.6 एंड 6.8। तो ये जो ट्रॉपिकल डिसीजियस
है जो है वो मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, यानी ये क्या है, मॉनसून फॉरेस्ट में मतलब फॉरेस्ट मॉनसून सीजन में होते हैं, फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, यानी लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया तो कौन कौन से, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया एंड इन द सेंट्रल अमेरिका, तो फिगर 6.4 यहाँ पर लिखा है। तो हम ये फिगर 6.4 में देख रहा है अ ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, दिस रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, यानी उसका रीजन होता है एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई, यानी ट्रीज के शेड जो होते हैं लीव्स इन द ड्राई होते हैं, और सीजन टू कंजर्व वाटर, यानी सीजन में कंजर्व वाटर होता है चाहिए होता है उसको, उसकी नीड्स होती है। दिस हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर साल, यानी उसके हार्डवुड कौन ट्रीज मतलब कौन कौन से काम आते हैं, तो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट में तो साल, टेक, नीम एंड सीसम ऐसे वुड काम आते हैं। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग, यानी ये हार्डवुड के ट्रीज जो होते हैं किस किस में काम आते हैं, तो मेकिंग फर्नीचर में, ट्रांसपोर्ट में, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स में, टाइगर, लायन, एलिफेंट, लैंगूर्स, मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस रीजन, यानी ये सारे कॉमन एनिमल्स होते हैं। फिगर 6.5, 6.6, 6.8 यहाँ पर दिख रहे हैं। 6.5 में क्या है, टाइगर है। 6.6 में क्या है, गोल्डन लंगूर, ये देखो लंगूर दिख रहा है गोल्डन, और 6.8 में क्या है, एलिफंट है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर बताया टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी ये उसके आगे हमने देखा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये क्या है, टेम्परेचर ओवरग्रीन फॉरेस्ट। द टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन, फिगर 6.6। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मेरिन मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इन द साउथ ईस्ट USA, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील, द कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन एंड इक्वली वुड्स फॉर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर बताइए जो टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन, यानी क्या है, मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन है। यहाँ पर फिगर 6.7 में हमें दिखाई दे रहा है टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये। यहाँ पर देखो फिगर देखकर हमें पता चल जाता है। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न, यानी कॉमनली हमें कहाँ से फाउंड होते हैं, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट्स, फॉर एग्जाम्पल कहाँ से, तो इन द साउथ ईस्ट USA में, साउथ चाइना एंड इन द साउथ ईस्ट ब्राज़ील में, और दे कंप्राइजेज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड, यानी वो कंप्राइजेज मतलब बोथ कैसे, हार्ड एंड सॉफ्ट वुड हमें चाहिए ट्रीज के, तो लाइक कहाँ से मिलते हैं हमें, ओक, पाइन एंड इकलिप्टस फॉर एक्सेट्रा, यहाँ से हमें मिल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे, यहाँ पर दिया टेम्परेचर डेसीडियस फॉरेस्ट, यानी टेम्परेचर डेसीडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वो, एज वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड दे आर मोर टेम्परेचर डेसीडियस फॉरेस्ट, फिगर 6.11। दिस आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ USA, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, दे सीड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, द कॉमन ट्रीज आर ओक, आश, बीच एक्सेट्रा, डियर, फॉक्सिस, वॉल्व आर एनिमल कॉमनली फाउंड, बर्ड्स लाइक पिजन्स, मोनल्स आर ऑल्सो फाउंड हियर, फिगर 6.9 एंड फिगर 6.10। तो यहाँ पर बताया कि एज वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड, यानी हम गए होंगे टूअर हायर लैटिट्यूड जो होते हैं, देर आर मोर टेम्परेचर डेसीडियस, यानी मोर टेम्परेचर डेसीडियस होते हैं फॉरेस्ट में, फिगर 6.11 हम यहाँ पर देख रहे हैं टेम्परेचर डेसीडियस फॉरेस्ट, यानी ऐसा फॉरेस्ट हमने देखा होगा कई बार। तो दिस आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ USA,
यानी वो कहाँ मिलते हैं, कहाँ फाउंड होते हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल्ड एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजियन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, यानी यहाँ से हमें फाउंड होते हैं, ये पार्ट ऑफ यूएसए है किसका, तो नॉर्थ ईस्टर्न का, और चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल्ड एंड ऑल्सो फाउंड इन कोस्टल रीजन ऑफ, कहाँ से मिलते हैं रीजन, तो वेस्टर्न यूरोप से, ऐसे यहाँ से हमें मिल सकते हैं। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, यानी उस जो शेड लीव के होते हैं कैसे होते हैं, तो कौन सी सीजन में, ड्राई सीजन में। द कॉमन ट्रीज आर, यानी कॉमन ट्री कौन कौन से हमें वहाँ से मिलती है, तो ओक, आश, बीच एक्सेट्रा। और एनिमल्स, तो डियर, फॉक्सीज, वॉल्व्स आर एनिमल, यानी ऐसे एनिमल हमें कॉमनली मिलते हैं। और कॉमनली फाउंड बर्ड्स मिलते हैं, तो लाइक पिजन्स, मोनल्स आर ऑल्सो फाउंड हियर, यानी ऐसे एनी बर्ड्स और एनिमल्स भी हमें वहाँ से मिलते हैं। तो 6.9 हम देखें तो यहाँ पर दिखाया है 6.9 एंड 6.10, तो 6.9 अ पीजेंट, ये हमें यहाँ पर ये पैराग्राफ में देखा पीजेंट बर्ड्स है और मोनल्स, तो ये मोनल भी, ये एक बर्ड्स यहाँ पर हमें दिख रहा है, ऐसे बर्ड्स भी हमें यहाँ पर फार्म होते हैं, ऐसे यहाँ पर मिलते हैं।